हेलो व्यूवर्स होप आप सब अच्छे होंगे इस पेंडेमिक के ड्यूरिंग और इन वीडियो से हेल्पफुल रही होंगे आपको आपका सिलेबस कवर करने के लिए और नॉलेज के लिए टुडे वी विल कवर द टॉपिक एंजाइम रिवर्सिबल इनहिबिशन एंजाइम इनहिबिशन है क्या जैसे के नाम से ये मीन एंजाइम को स्टॉप कर देना तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी जो है उसको इनिबिट कर दिया जाता है या कर कर दिया जाता है by certain compounds. कुछ ऐसे हैं हैं जो की को या तो completely stop कर देते हैं या तो देते काफी हद तक कर देते हैं जिसकी वजह से जो वो enzyme जिस भी रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है उस रिएक्शन का रेट जो है डाउन हो जाता है और वो ये जो इफेक्ट कैसे करते हैं इसकी एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं या डिक्रीज कैसे करते हैं या तो वो जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है उस

Reversible inhibition, irreversible inhibition, allosteric inhibition, and feedback inhibition. Under reversible inhibition, there are further three subtypes competitive inhibition, uncompetitive inhibition, and non competitive inhibition. In this video, we will discuss the reversible inhibition. रिवर्सिबल इनिबिशन जैसे कि नाम से ही है रिवर्सिबल रिवर्सिबल का मतलब क्या है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं रिवर्स करेंगे तो क्या इस इनिबिशन को हम रिमूव कर सकते हैं और रिमूव कैसे कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो इनिबिटर बाइंड होता है एंजाइम्स के साथ वो वीक फोर्सेस के साथ या वीक इंटरेक्शन होता है उसका एंजाइम्स के साथ और अगर वीक इंटरेक्शन है तो क्या है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो इट मीन्स क्या है जो एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो नॉन बॉन्ड से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ सो दैट कैन बी कोवलिएट फ्रॉम द एंजाइम और जैसे ही जो इनहिबिटर है एंजाइम से रिमूव होता है तो एंजाइम वापस से अपना जो एक्शन है उसको रिस्टोर कर लेता है एंड देन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि वो पहले कर रहा था सो दैट्स वाई इट इज नोन एज रिवर्सिबल इनहिबिशन The first type of reversible inhibition is competitive inhibition. Competitive, uh, as the name suggests, competitive. They means it means there is competition in between something. aur wo something kya hogi Substrate और inhibitor. क्योंकि पहले क्या है? जब तक inhibitor वहाँ पे present नहीं है, तो enzyme किसके साथ complex बना रहा है? Substrate के साथ. But अगर वहाँ पे inhibitor आ जाता है, तो substrate और inhibitor दोनों में competition हो जाता है किसके लिए? जो enzyme की active site है, उसके लिए उसके उसमें competition वो कंपटीशन किस लिए होगा क्योंकि जो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर है और जो इनहिबिटर वहां पे बाइंड कर रहा है उन दोनों में स्ट्रक्चरल है जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के जैसी ही स्ट्रक्चर है उसकी तो उसकी भी कैपेबिलिटी है कि जहां पे एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा था वो भी उस एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड कर सकता है दैट्स वाई दिस कॉम्पिटेटिव इनिबिशन इज ऑल्सो नोन एज सबस्ट्रेट एनालॉग इनिबिशन की सबस्ट्रेट जैसा कोई वहां पे आके बाइंड करता है उसमें क्या होगा इस इनिबिशन में जो इनिबिटर है वो बाइंड कर जाएगा एंजाइम के एक्टिव साइट पे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बजाय वहां पे क्या बन जाएगा एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा सो so, उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा तो ये कंपटीशन डिपेंड किस पे करेगा? कि बनेगा, या बनेगा वो डिपेंड करेगा कंसेंट्रेशन कंपटीशन है अगर सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इनिबिशन हो हो तो कम होगा क्योंकि वहां पे सबस्ट्रेट के मोलिक्यूल ज्यादा है तो उनके चांसेस प्रोबेबिलिटी है एक्टिव साइड पे बाइंड करने की ज्यादा होगी इनकेस अगर इनिबिशन जो इनिबिटर है उसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे इनिबिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करने की वो सबस्ट्रेट से ज़्यादा होगी जैसे एंजाइम है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो उसका एक एंड प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्ट क्या होगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी बट जैसे ही जो एंजाइम है वो इनिबिटर के साथ बाइंड कर जाता है तो उस टाइम पे किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी ये देखो जैसे ये सब स्टेट है ये इसका कॉम्पिटेटिव इनिवेटर है दोनों में स्ट्रक्चरल ये जो इसका पार्ट एक्टिव साइड पे बाइंड करेगा और ये जो कम्पिटेटिव इनिवेटर है दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी है स्ट्रक्चरल एनालॉग्स है तो दोनों इस साइड पे बाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पे दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल है तो दोनों के इक्वल चांसेज हैं बाइंड करने के ठीक है पर जैसे ही जो रिवर्सिबल uh, इनहिबिशन में अगर सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे जो ये इनहिबिशन इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन यहाँ पे देखो जैसे ही सबस्ट्रेट की अगर दोनों की कंसेंट्रेशन बराबर है तो यहाँ पे एंजाइम भी बाइंड कर सकता है और सॉरी सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है और इनिबिटर भी पर जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया तो वहां पर जो सबस्ट्रेट है वो उसके बाइंड करने के चांसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से जो रिवर्सिबल इनिबिशन है उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ा के तो ये इस स्लाइड में भी यही डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो रिलेटिव अमाउंट है कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम सब्सट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा या एंजाइम इनिबिटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो डिपेंड करेगी सब्सट्रेट और इनिबिटर की रिलेटिव कंसंट्रेशन पे कि उनके जो कंसंट्रेशन है किसकी ज़्यादा है वो उसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और अगर एक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो दूसरे के जो चांसेज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे सपोज करो अगर इनिबिटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या बनेगा एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स और अगर एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बना तो इट मीन क्या है जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि जब एंजाइम इनिबिटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा पर जैसे ही वो सबस्टेट की कंसेंट्रेशन अगर वहां पर ज्यादा है तो वहाँ पे एंजाइम इनिबीटर की बजाय क्या बनेगा एंजाइम सब्स्टेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म द प्रोडक्ट सो दो इनिबिशन ट और ये दो चीजों पर डिपेंड करेगी डिग्री ऑफ इनिबिशन की कि कितना इनिबिशन होगा वो डिपेंड किस पे करेगा कि वहां पर सबस्टेट और इनिबिटर की कंपेरेटिवली कंसनट्रेशन कितनी प्रेजेंट है और दूसरा जो एंजाइम की एफिनिटी है किसके लिए ज्यादा है वो सबस्टेट के लिए ज्यादा है या इनिबिटर के लिए ज्यादा है तो दिज टू फैक्टर अफेक्ट दिस कॉम्पिटेटिव इनिबिशन

The KM. KM क्योंकि किया? क्योंकि हमें तो अगर हमें ज्यादा सब्सट्रेट देना पड़ रहा है तो इट मीन क्या है कि जो एनजा के आने से जो एनजाइम की एफिनिटी है उस पर फर्क पड़ा है और उसकी वजह से हमें जो ज्यादा सब्सिडेट प्रोवाइड करना पड़ रहा है तो दैट्स वाई इंक्रीज इन के एम तोन में क्या है वी मैक्सिम रिमेन्स मैक्सिमम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और केएम की जो कंसेंट्रेशन है वो के एम है वो इंक्रीज हो जाएगा तो इट मीन्स क्या है एंजाइम की जो एफिनिटी वो डिक्रीज हो जाती है द इनिबीटर्स दैट रेज द के एम टू ए हायर डिग्री आर मोस्ट इफेक्टिव इनिबीटर्स अब हमें पता लगेगा कि जैसे दो इनिबीटर है पर्टिकुलर उसके तो हम कैसे तो अगर दो इनिबीटर है हमें कैसे पता लगेगा उनमें से स्ट्रॉन्ग इनिबीटर कौन सा है तो स्ट्रॉन्ग इनिबीटर वो होगा जो कि जो उसकी केएम है उसको ज्यादा जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा जो केएम को सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा वो मोस्ट पोटेंट इनिबीटर होगा एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबेटर आर लाइक मेलोनेट सल्फा ड्रग्स मेलोनेट किसका इनिबीटर होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जब ये क्रेब साइकिल पड़ेंगे ना रेस्पिरेशन में उस टाइम पे आएगा तो ये क्रेब साइकिल का एक रिएक्शन है उसमें क्या है कि जो सक्सीनेट है हाइड्रोजिनेज एंजाइम है कन्वर्ट करता है जैसी है फर्क कहा है सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप सक्सीनेट में ज्यादा है जबकि ये बाइंड किससे करेगा इन कार्बोक्सिल ग्रुप से जो इसके साइड्स में प्रेजेंट है तो ये मेलोनेट इक्वली बाइंड कर सकता है तो इस वजह से क्या है जो मेलोनेट है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है और इसमें कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इट मीन्स क्या है? ये रिएक्शन को साइकिल को अफेक्ट करेगा स्टॉप कर देगा बट ये क्या है सेल में बनता ही बहुत कम अमाउंट में तो इसके चांसेस कम होते हैं सेकेंड है सल्फा ड्रग्स कोई भी जैसे बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है तो उसके लिए हम एंटी बैक्टीरियल यूज करते हैं सल्फा ड्रग्स सल्फा ड्रग्स काम कैसे करती हैं जो सल्फा ड्रग्स होती हैं वो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कर देती हैं और फोलिक एसिड कंपल्सरी नेसेसरी होता है आर एन ए और डीएनए की सिंथेसिस के लिए और आर एन ए डीएनए किसके लिए रिक्वायर्ड होगा जब भी सेल डिवाइड करेंगी बैक्टीरियल सेल की जो ग्रोथ होगी वो किससे होती है डिवीजन से होगी तो डिवीजन होगा तो आरएनए और डीएनए की फॉर्मेशन होना भी जरूरी है आरएनए डीएनए ही नहीं बनेंगे तो इट मींस क्या है वो सेल ग्रो नहीं करेंगी तो इस वजह से क्या है वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ को वो सल्फा ड्रग्स रोक देती है तो वो रोकती कैसे है इसी टाइप से दे आर कॉम्पिटेटिव इनबिटन ऑफ दिस रिएक्शन एज दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा जो यहाँ पे पाबा होता है इसके स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं तो पाबा की बजाय क्या वहां पे सल्फा ड्रग्स ये इस टाइप से जो ये पाबा है पाबा की बजाय यहाँ पे सल्फा ड्रग्स बाइंड कर जाती हैं और ये जो सेकेंड एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती हैं। ग्लूटामिक एसिड के बाद जो फोलिक एसिड बनता है इस रिएक्शन को ये इनिबिट कर देती है। हैं। थैंक्स